विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य जो आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता भी कर रहे हैं, डॉक्टर सत्यन कुमार सर, इग्नू कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुणाल सर, इकोनॉमिक्स विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर और इग्नू के असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खुर्शीद अहमद खान सर, यहाँ उपस्थित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए इग्नू के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुणाल सर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने विद्यार्थियों के साथ इतना अच्छा कार्यक्रम संपन्न किया। दरअसल इस कार्यक्रम की सफलता तभी होती जब आप सभी विद्यार्थी यहाँ उपस्थित होते हैं, और बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है कि आप सभी विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हम सभी इस महाविद्यालय के एक एक कर्मचारी, चाहे वो फोर्थ ग्रेड हो या प्रिंसिपल, सभी आप लोगों के लिए ही है। और हम सभी को खुशी तब महसूस होती है जब आप सभी विद्यार्थी महाविद्यालय आते हैं, इसलिए मैं बहुत हर्ष भी महसूस कर रहा हूं कि आप सभी विद्यार्थी इस सिलेक्शन मीटिंग में आए हैं। और जितने भी इग्नू से संबंधित आप लोगों को जानकारियां दी गई है उसे आप लोग समझें और बकायदा इसकी तैयारी भी करें। इग्नू की क्लासेस भी होती है। इस इंडक्शन मीटिंग का मेन मुद्दा ये है, आप सभी क्लासेस भी आ सकते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग अर्ली एज में भी नौकरी पा लेते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो, बिहार पुलिस में हो, लेकिन उन्हें डिग्री लेने की जो सपना होती है वो पूरा नहीं हो पाता है, और वो सपना पूरा करने का काम इग्नू यूनिवर्सिटी करती है। मैंने भी जब मैं मास्टर डिग्री ले रहा था तो 2 नंबर से गोल्ड मेडल से चूक गया था, और फिर उसके बाद 2-3 साल बाद जॉब में आ गया तो मुझे लगा कि काश ये सपना मेरा पूरा हो। तो एक शिक्षक मुझे यह जानकारी दिए कि इग्नू से आप चाहे तो अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, और टॉप करने पर आपको गोल्ड मेडल दीक्षांत समारोह में बकायदा दिल्ली में दिया जाता है। और मैं इग्नू से MA RD कर भी रहा हूँ वर्तमान में। आप रिसर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डॉक्टरेट की डिग्री भी ले सकते हैं। शिक्षा के संबंध में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आपके पास ये मौका दे रहे हैं, आप जॉब करते भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो शिक्षा लीजिए, ज्ञान अर्जित करिए। यहां तक कि महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, और ये प्लेटफॉर्म आपको इग्नू दे रहा है। इस सफल आयोजन के लिए मैं स्पेशल थैंक्स महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सर को कर रहा हूं, जिन्होंने समय समय पर हम सभी शिक्षकों को मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और हर कार्यक्रम में अपनी दक्षता के अनुरूप सफल बनाते हैं। मैं आज के इंडक्शन मीटिंग में जो भी विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं चाहता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप महाविद्यालय में आए और इग्नू से संबंधित जितने भी समस्याएं आपके समक्ष आती है उसे लेकर भी आए और उसका समाधान प्राप्त कर भी जाए, तब हम समझेंगे कि यह कार्यक्रम सफल हुआ, और हम यहाँ खड़े हैं तो हम सफल हैं। ये मेरा ज्यादा समय नहीं लूंगा, इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई भी शिक्षण संस्थान बिना छात्र छात्राओं के क्या है, और आप सभी की भीड़ आज बता रही है कि आप लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ आप इस कार्यक्रम में आए हैं और उसका लाभ आपको मिल भी रहा है। सर ने इस बात पर जोर भी दिया है कि आप इस संस्थान से जुड़े, यहाँ के आज देखिए कि कितनी खुशी की बात है कि प्रिंसिपल साहब हों या हम सारे शिक्षक लोग हैं,
सब लोग आपके कार्यक्रम के लिए, संरक्षण प्रोग्राम के लिए जमा है, तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है और आपके लिए भी छात्र।